दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जंगीर के 4500 क्रॉप केयर मल्टी क्रॉप थ्रेशर के बारे में। आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी ने किसान की सुविधा के लिए क्रॉप केयर थ्रेशर तैयार किया है। दोस्तों इसका नाम 4500 क्रॉप केयर नाम क्यों रखा गया आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो क्रॉप दाने होते हैं, किसान की फसल होती है, उसको अच्छे से बढ़िया से उसकी केयर की जाती है, उसकी संभाल की जाती है, जो फसल को कई दिक्कत ना आए बारिश के कारण। कई बार क्या क्या होता है, किसान की फसल खेत में पड़ी होती है, गीली हो जाती है, उसकी उसकी रक्षा के लिए, उसकी देखरेख के लिए कंपनी ने, जंगीर इंडस्ट्री ने क्रॉप केयर 4500 थ्रेशर तैयार किया है। आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों बहुत अच्छी और बढ़िया खूबियाँ हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं इसमें लेबर की खपत है, जो किसानों की खपत है, वो बहुत कम जरूरत इसमें पड़ती है, किसानों की जरूरत इसमें बहुत कम है, और फसल है अच्छी और बढ़िया फसल ये निकालता है बहुत सफाई से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे फसल निकल रही है आपको, पहले आप देख सकते हैं, आपको मॉडल दिखाना चाहूँगा, जंगीर मल्टी क्रॉप क्रॉप केयर मॉडल है दोस्तों ही 4500 प्लस, और इसमें एलिवेटर दिया गया है और दाने का ग्रेन टैंक इसमें में मिलने वाला है। और कैसे ये फसल निकाल रहा है, कितनी सफाई से निकाल रहा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, और ट्रैक्टर कितने पे चल रहा है, कितना लोड लेता है इस मशीन पे, वो भी मैं आपको बताऊँगा, पूरी जानकारी दूंगा इसकी मशीन के बारे में। सबसे पहले तो हम इसके कितने स्पीड पे चल रहा है वो दिखाते हैं। सोलह की स्पीड है ना, 16 पे चल रहा है दोस्तों जी। ये जो ट्रैक्टर है वो कुबोटा का ट्रैक्टर है, 4501 मॉडल है दोस्तों जी ट्रैक्टर। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऊपर ये मशीन कैसे काम कर रही है, ये भूसे को इस तरह फेंक रही है, और आपको ऊपर जब जाकर दिखाता हूँ कैसे लगे चल रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं मैं आपको हाथ में लेकर बताता हूँ, जताने सरसों की फसल निकाल रहे हैं किसान, बहुत ही बढ़िया, इतनी सफाई दोस्तों किसी मैंने आज तक किसी और थ्रेशर में नहीं देखी। सरसों की बढ़िया सफाई से ये मशीन चल रही है, बहुत अच्छी बढ़िया फसल है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो फसल है वो स्टोर हो जाती है, और बढ़िया तकनीक से एलिवेटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। पीछे दिखाना चाहूँगा दोस्तों, बाकी LED वगैरह लाटी लगी हुई हैं, और किसान आसानी से अपनी फसल को पीछे डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें पहले क्या होता था, किसान हम फसल को एक जगह हम उसको इकट्ठा करते थे, कोई भी फसल को निकालते, दरिया धनिया जीरा कोई भी फसल निकालते थे, सरसों निकालते थे, उसकी एक जगह हमें स्टोर करना पड़ता था, उसके बाद फसल को निकालते थे। मगर दोस्तों इसमें जंगीर कंपनी ने किसानों का पहले क्या होता था, किसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी,
काफ़ी ज़्यादा बंदों की जरूरत पड़ती थी इस थ्रेशर के लिए, माल निकालने के लिए, पर वो दिक्कत है वो कंपनी ने आसान कर दी है। अब इसमें लेबर की ज़रूरत है जो आपको नहीं पड़ेगी, दो बंदे आसानी से माल डालकर फसल को निकाल सकते हैं, साथ साथ में मशीन चलती रहती है और किसान अपनी फसल को डालते रहते हैं। आप देख सकते हो ये जंगीर का मल्टी क्रॉप क्रॉप केयर थ्रेशर है दोस्तों। जगीर है वहाँ, खुशहाली है वहाँ, देख सकते हो जगीर है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया फसल निकल रही है किसान की। और ट्रैक्टर पे कोई लोड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रैक्टर बिल्कुल आसानी से चल रहा है, बिल्कुल आसानी से, आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से ट्रैक्टर चल रहा है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जंगीर कंपनी द्वारा तैयार किया न्यू मॉडल है, 2022 मॉडल में ये कंपनी ने तैयार किया है, अच्छा और बढ़िया थ्रेशर तैयार किया गया है। आप ऊपर भी देख सकते हैं इसके जो आसानी से अच्छे बढ़िया सरसों की फसल है जो निकाली जा रही है किसान की तरफ से। और दोस्तों हम आपको ये भी दिखाएंगे भी पैसे कैसे एलिवेटर चलता है, कैसे फसल निकल रही है, वीडियो पर बने रहना। दोस्तों आप देख सकते हैं क्रॉप केयर 4500 ये थ्रेशर है जिसमें ग्रेन टैंक लगा हुआ है। दोस्तों इसमें जो किसान की फसल होती है उसको उसकी अच्छे से बढ़िया केयर की जाती है, इसलिए इस थ्रेशर का नाम 4500 प्लस क्रॉप केयर नाम रखा गया है। और इस थ्रेशर की जो निर्माता है वो जंगीर कंपनी जंगीर सिंह कबूल शाह राय सिंह नगर वाले हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कितनी अच्छी और बढ़िया फसल निकाल रहा है सरसों की, कितनी बड़ी सफाई से, इतनी बढ़िया सफाई से आपने कहीं और फसल नहीं दी, एक भी किसी का कचरा वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जंगीर का क्रॉप केयर थ्रेशर है। देख सकते हैं जो देख सकते हैं दोस्तों कुछ ही समय में सभी फसल को इसने डेरी निकाल दिया है।